नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन का टॉप न्यूज, मैं संदीप हूं। चलिए शुरू करें खबरों का सिलसिला। राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपे जाने से पहले पार्टी के भीतर से ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सचिव शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक परिवार से किसी एक ही व्यक्ति को पद मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उन्होंने अध्यक्ष चुने जाने की पूरी प्रक्रिया को पाखंड करार दिया है। टीवी पर अक्सर पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आने वाले शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए होने वाला चुनाव चुनाव नहीं है, वो चयन है। चुनाव की ये प्रक्रिया पूरी तरह से फिक्स है। दूसरी तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारियां जोरों पर हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास ने बुधवार को ट्वीट कर ऐलान किया कि वो रविवार को पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। विश्वास ने जिस पोस्टर को ट्वीट किया है उसमें वो पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर पिछले रविवार को रामलीला मैदान में हुए पार्टी के स्थापना दिवस समारोह की है। विश्वास के पोस्टर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो केजरीवाल को पार्टी का इकलौता चेहरा बनाए जाने को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। हालांकि विश्वास ने पोस्टर में किसी भी तरह के सांकेतिक संदेश की बात को खारिज किया है, पर इतना जरूर कहा कि केजरीवाल को आपका नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के घनिष्ठ मित्र यानी चीन से साफ कहा है कि वो अपने सभी साधनों का इस्तेमाल कर किम जोंग को भड़काऊ कदम उठाने से रोके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने चीनी समकक्ष शी जिनफिंग से फोन पर बातचीत की। इस दौरान ट्रंप ने शी से कहा कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके नॉर्थ कोरिया को भड़काने वाली कार्रवाई करने से रोकें और उसे परमाणु मुक्त देश बनने की राह पर लौटने को कहें। गौरतलब है कि नॉर्थ कोरिया ने एक दिन पहले ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का परीक्षण किया है, जिससे एक बार फिर से तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। मध्यप्रदेश के सतना में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है। यहाँ एक 55 वर्षीय मरीज के पेट से स्टील का गिलास निकलने से परिजन सहित डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। सतना के सार्थक अस्पताल में चेकअप के दौरान एक मरीज के पेट में दर्द हुआ। उसे पेट दर्द और डायरिया की शिकायत थी। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें एक्सरे करवाने को कहा। एक्सरे रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये पता चला कि मरीज के पेट में स्टील का गिलास है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि ये गिलास मरीज के पेट में आखिर पहुंचा कैसे। दरअसल खुद मरीज भी ये नहीं बता पा रहा कि उसके पेट में गिलास कहां से आ गया। डॉक्टरों के पूछने पर वो कोई साफ जवाब नहीं दे सका। हाल ही में टीवी शो भाभी जी घर पर है इसमें अंगूरी भाभी का फेमस रोल निभा रही एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने उनके शो छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में उतरने की सारी खबरों को कोरी अफवाह बताया है। इस बारे में उनका कहना है कि लोगों ने हो सकता है कि कुछ राजनीतिक समारोहों में उनको देखा हो, जिसके बाद इस तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी गई हों। शुभांगी ने कहा कि उन्हें इस शो के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करके बहुत खुशी मिलती है और वो इस शो के साथ लगातार बनी हुई हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले साल मई में शो मेकर्स के साथ कुछ विवाद के चलते एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने ये शो छोड़ दिया था। तो टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।